फ्रेंड्स, जी और किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ चना मसाला, जिसे आप पूड़ी या भटूरे किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल हीट अप कर लिया है कढ़ाई में। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा अजवाइन डाल दी है, क्योंकि छोले जो हैं वो थोड़ा सा गैस करते हैं। अब साथ में मैंने यहाँ डाल दिया है लॉन्ग चॉप करके जिंजर। साथ में मैंने दो मोटी इलायची, काली इलायची ऐड कर दी हैं, और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। आप मोटी इलायची और दालचीनी वगैरह थोड़ा सा आप जब छोले बॉईल करते हैं उस टाइम भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं दूसरी साइड में। देखिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच के करीब जीरा। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 से 6 प्याज का मैंने यहाँ पे पीस के रखा हुआ है मसाला, जिसमें मैंने 10 से 11 मैंने गार्लिक ले लिए हैं, क्लोव्स ले लिए हैं गार्लिक के कलियाँ, और साथ में 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको मैंने अलग से पीस के रख लिया था मसाला तैयार करके। मैं इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये ब्राउन हो जाए और तेल अलग छोड़ दे। फ्रेंड्स, वीडियो बड़े हो जाते हैं इसलिए मैं मसाला वगैरह पीसने की यूँ नहीं डालती हूँ। सभी रेसिपीज़ में एक ही तरह से मसाला पीसता है। क्वांटिटी मैंने आपको बताई दी है। अब मैंने यहाँ से 3 से 4 मैंने तेज पत्ते हैं जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं साथ में। अब 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, इसको मैं इसी में साथ में भून लूँगी। कसूरी मेथी डालने से फ्रेंड्स किसी भी खाने को बहुत अच्छा एक फ्लेवर मिलता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप जरूर हो अगर घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिए। अब मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। इसमें थोड़ा सा हल्दी एक्स्ट्रा डलता है। मैं इसको हल्दी को इसी उस पर अच्छे से भून लूँगी, जिससे कि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब देखिए, हल्का मसाला लग रहा है अगर, तो आप उसमें अपना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके आप साइड से मसाला छुड़ा लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाई हीट पे इसको मसाले को भून रही हूँ, जिससे मसाले में अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ जाए सारे मसालों की। देखिए, मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जिससे इसका मसाला जो है वो सॉफ्ट हो जाए और जो ऑयल अलग हो जाए। हल्का सा पानी और डाल दिया मैंने, जिससे कि मसाला मेरा नीचे लगे ना। इसमें मेन जो है वो भुने हुए मसाले का ही टेस्ट आता है फ्रेंड, तो इसको अच्छे से भून लीजिए। मैंने यहाँ पे अब 4 टमाटर जो का पेस्ट बना के रखा हुआ था, अब मैं वो ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाला मेरा ऑयल ना छोड़ दे। साथ में मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि छोले जो बॉईल कर रहे हैं उसमें भी मैंने ऑलरेडी 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। अब इसको मैं भूनूंगी जब तक ये ऑयल अलग ना हो जाए, साथ साथ मैं अपने मसाले ऐड करती रहूंगी। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, साथ में गरम मसाला। फ्रेंड्स, अगर सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से कम ही डालूंगी और मैं बाजार का मसाला भी नहीं ऐड करूंगी। अब मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। आप इसको अच्छे से भून लीजिए बस मसाले को। आप चाहें तो आपके पास चना मसाला है तो आप डाल सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा मसाले बाहर के नहीं डालती हूँ। मैं इन्हीं चीज़ों से इसको बनाती हूँ, कुछ खड़े मसाले डाल के और कुछ अपने नॉर्मल मसाले वगैरह डाल के। देखिए, अब ये अलग होना, ऑयल अलग हो गया है। देखिए कितना सुंदर इसको ऑयल अलग हो रहा है। इसको मैं इसी तरह से अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि मसाले का फ्लेवर जो है वही चना मसाला में मेन होता है। मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, जिससे कि तेल जो है वो अलग हो जाए और मसाला जो है मेरा बहुत सॉफ्ट हो जाए अच्छे से भून के। देखिए, अब 5 से 10 मिनट में हाई फ्लेम पे मैं इसको मसाले को हिला के मैंने पीस लिया है। अब देखिए, मैंने ये छोले बॉईल कर रखे, प्री सोक बॉयल छोले थे जिनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और थोड़ा सा वही जिसमें मैंने मसाला बनाया वही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूंगी धो के, जिससे कि मेरे चने नीचे लगे ना।
फ्रेंड्स मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा कम मसाला खाते हैं इसलिए मैंने कम डाला। आप इसमें क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाले अपने आप ऐड कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। मैं इसको थोड़े से अदरक डाल के और अमचूर पाउडर डाल दूँगी। ऑलमोस्ट 5 मिनट और मैं इसको थोड़ा सा बनाऊँगी और ये तैयार है। अब इसको मैं ग्रीन कोरिएंडर डाल के मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए कितने सुंदर मेरे छोले बन के मसाला छोले बनकर तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।